गर्मी भी आ गई और लाइट भी बहुत कटने लगी है, इसी वजह से मेरा ये ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज नहीं हो पाया। तो चलिए आज हम इसे चार्ज करते हैं, वो भी केवल 50 रुपये के इन्वेस्टमेंट से। मैंने ये सोलर पैनल मार्केट से ख़रीदा है 50 रुपये में। आज हम इसी से इसको चार्ज करेंगे। तो मैंने एक केबल ले लिया है और इसमें चार्जिंग केबल को अटैच कर दिए हैं और इस केबल को अब हम इस सोलर पैनल से कनेक्ट कर देंगे। सोलर पैनल से कनेक्ट करने के बाद इसे हम डायरेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करेंगे। जो बिजली से मेरा ये ब्लूटूथ स्पीकर 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, वो इस सोलर पैनल से 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा कम वोल्टेज जनरेट करता है। कोई बात नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है तो 2 2.5 घंटे में भी अगर ये फुल चार्ज हो जा रहा है तो बहुत है। तो इसमें हम लगा दिए ये। अब चलिए धूप में चल के देखते हैं कि आखिर ये कैसे चार्ज हो रहा है सही से। मैं आ गए हैं और देखते हैं ये मेरा ब्लूटूथ चार्जर अच्छे से चार्ज हो रहा है सोलर पैनल से। तो इसे हम सीधा कर दे देते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका लाइट ब्लिंक हो रहा है, लाल वाला जल रहा है। देखिए मेरा ये ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज हो रहा है, 2 से 2.5 घंटा में ये मेरे सोलर पैनल से आराम से चार्ज हो जाएगा। और लाइट भी नहीं है, 2 से 2.5 घंटा सही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक